नीरज साहेब जी, आदरणीय मनोज जी जोशी जी, कोशवाल साहब, मंजरी जी और हमारे आदरणीय यहाँ पर अतिथि हमारे युवा वाहिनी के सम्मानित अतिथि, हम लोग एक पिक्चर के कहना चाहिए कि उसके उद्घाटन के अवसर पर आए। मैं मनोज जी को देखकर बिल्कुल इनकी एक भव्य आकृति से आकर्षित हो रहा था। मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके और नीरज साहे जी से भी मैंने पूछा था इस बात को कि मन में यूपी फाइल्स क्यों आई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यूपी को मैंने उस समय भी देखा जब मैं यहाँ का विद्यार्थी था और नीरज साहे जी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, बल्कि हम लोग समकालीन थे और उस समय उन्होंने लखनऊ के पूरे प्रदेश की गुंडागर्दी को ये अपने मन में बसाकर यहां से मुंबई गए थे और देखते थे कि छोटी छोटी बातों पर गोली चल जाती थी, तमंचा चल जाता था, अपहरण हो जाता था, तमाम घटनाओं का जिक्र मुझसे कर रहे थे कि एक वो जमाना था कि कितनी फिरौती होती थी, एक वो जमाना था जब हम लोग चलते थे तो मोटरसाइकिलें पंचर होती थी, पंचर की दुकान कहां है कि पता करके तब सड़क पर चलते थे, और एक वो जमाना था जब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़क पर रात को शाम होते ही महिलाओं का निकलना दूभर था। तो मैंने इनसे के बहुत दिन बाद, उनसे 20 वर्ष बाद मिले थे, तो इनके मन का जो आक्रोश था मैं उसका अर्थ नहीं समझा। मैंने इनसे कहा, नीरज भाई आप अपने छात्र जीवन को इस तरह याद क्यों कर रहे हैं? तो बोले, आज मुझे किसी काम से यूपी आना हुआ और लखनऊ आया, मेरी आंखें चकाचौंध थी और मैं देख रहा था कि मैं कहीं से गुजरा था तो जहां आज हम खड़े थे जगह पे, तो लड़कियां शादी इसलिए नहीं होती थी कि उत्तर प्रदेश आते आते, उत्तर प्रदेश में लखनऊ आते आते पता चला कि इतनी गड्ढे होते थे कि वहां की यहां की दूरी 8 घंटे में हो जाती थी। बुंदेलखंड में लोग इसलिए नहीं करते थे कि वहां पानी नहीं पहुंचता था और वहां पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए कट्टा तमंचा, जिनके घर पे ना हो तो सोचते थे बड़ा गरीब है। तो मैं इनकी बातों को सुनकर हंस रहा था। मैंने कहा, भैया इतनी मन की बातें आप इसका वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले, वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि वो सारी चीजें अभी मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मुझे नहीं दिखी। तो मैंने कहा कि इसका कारण आप क्या समझते हो? तो इन्होंने मुझसे कहा कि इसका कारण मैं ये मानता हूं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उन्होंने योगी जी का भी नाम दिया मुझसे, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रशासन मैंने नहीं देखा है और क्विक एक्शन एंड डिसीजन, त्वरित निर्णय और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ये सारी बातें कह के चले गए, मुझे नहीं पता और मैंने पिक्चर भी नहीं देखी, जो सही बात है। लेकिन अभी जब मैं उनको वो भगवा रस पहने मैंने देखा मनोज जी को, तो मेरे मन में कल्पना दूसरी प्रकार की आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप में यूपी फाइल किसी से संबंध इसका नहीं है, न ही इसका राजनीति से संबंध है, न ही इसका सरकार से संबंध है, न ही इसका मुख्यमंत्री से संबंध, ना कोई इससे संबंध, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। इनके मन की कल्पना है और मन की कल्पना जब उड़ान भरती है तो अपने गंतव्य तक पहुंचती है। और मैं समझता हूं कि प्रयास में मैं खुश इसलिए केवल हूं कि वर्षों वर्षों बाद मैंने इनको देखा मिला और इतनी उन्नति ये कर जाएंगे। उस वो युवा मन अपनी कल्पनाओं को लेकर ऐसी उड़ान भरेगा और वो भी उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी फाइल्स मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं मन में इनसे बार बार कह रहा था कि नीरज जी आप मुझे बुला रहे हो, कहीं उत्तर प्रदेश की खराब कोई छवि तो नहीं है? उनका नहीं, मेरे मन में खराब छवि बिल्कुल नहीं, मेरे खराब अच्छी छवि है। आपको देखकर राम राज्य हो गया, जहां राम जी आए हैं वहां आप भी आ गए, तो ये कल्पना तो ही है। लेकिन मुझे अच्छा लगा और मनोज जी को तो मैं पर्दों पर देखकर प्रफुल्लित होता था। अव्वल किस्म के कलाकार है, मंजरी जी का बिल्कुल लय में हो जाना अपने एक्टिंग में अद्भुत है,
अभी धर्मेंद्र जी जब बोल रहे थे तो मुझे उनकी बातों में अपनत्व तो दिख रहा था, और वो बगैर कोई चीज को देखे टिप्पणी नहीं करते। और उन्होंने कहा यूपी फाइल्स के बारे में जो शब्द बोले हैं, एक एक शब्द आपके लिए आशीर्वाद है, और मुझको लगता है ये बुलंदियों को छुएगी। और फिर से मैं दोहरा दूं, न चुनाव से संबंध है, हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि आप यूपी फाइल्स लाए, कभी कश्मीर फाइल्स लाए, कभी कुछ लाए, लेकिन इसका राजनीति से कोई संबंध ही नहीं, इसलिए कि होता तो ये मुझसे जिक्र करते हैं, और इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और आज सीधे मुझे आश्चर्यचकित किया, कल फोन आया कि आपको पहुंचना है फिल्म देखने के लिए, और मैं फिल्म देखने के लिए आ गया, और पता चला कि नीरज जी अपने स्वरूप में है। सभी कलाकारों को मेरा साधुवाद, और मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि सिने जगत से लोग बहुत प्रेरणा पाते हैं, और बहुत सारे नौजवान आकर्षित होकर उस प्रकार की एक्टिंग, बाल किसी हीरो ने रखा लिए तो उसी तरह बाल लखाने लगते हैं, हालांकि आपकी तरह दाढ़ी बाल ना रखाएंगे वो साधु बोल देंगे, लेकिन जो काम करता है, मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये गंगा गोमती का, राम कृष्ण और काशी का उत्तर प्रदेश है, इसकी बदलती हुई छवि, अब ये यहाँ लाठी डंडो वाला पत्थर वाला ये कर्फ्यू वाला प्रदेश नहीं है। ये लोग उसको वेग करके उल्टा प्रदेश कहते थे, बाद में जब योगी जी का शासन आया तो लोग बोले उत्तम प्रदेश है, 2-3 साल बीत गए तो बोले सर्वोत्तम प्रदेश है। अभी जब 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया तो लोगों ने कहा ये तो उद्यम प्रदेश है, तो इस उद्यम प्रदेश में अपराध बंद हो, उद्योग लगे, नौजवानों को रोजगार मिले, धार्मिक आस्थाएं बढ़े, इन सभी धर्म चैन की सांस ले सके, ऐसा कुछ। और जब भी आप पिक्चर बुलाइएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश का वो खिलता हुआ रूप जरूर यहाँ पर आए, और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, आपकी अच्छी पिक्चर होगी तो निश्चित रूप में आप मानो कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी आपको पकड़ कर लाएगी, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े मेधावी हैं, और ये जो सेवे खड़े यहाँ पर नौशाद रहे, बेगम अख्तर रही, यहाँ पर लक्ष्मी महाराज से लेकर बिरजू महाराज तक की थापे रही हैं इस लखनऊ में, यहाँ पर नीरज जी ऐसे लोगों की कविता रही, जो कई फिल्म में लिखा है, प्रवीण योगेश प्रवीण ऐसे लेखक रहे हैं यहाँ पर, तो इस लखनऊ में, इस उत्तर प्रदेश में बड़ी समृद्धि है। और आपसे मैं यही कहूंगा कि पिक्चर यूपी में आवे, और मेरी शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो आपने देखने के लिए आए आप लोग नेता को पकड़ा दोगे तो भाषण ही होगा, मेरी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि मनोज जी का ये रूप, इनके सर पर बाल आए, लेकिन ये बाल के बगैर ज्यादा अच्छे लगते हैं, और अगर बाल में एक शिखा और हो जाएगी तो आपका दिव्य स्वरूप आएगा, जब आप लगेगा कि काशी विश्वनाथ के बाबा के भक्त आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूंगी, थोड़ा तालियां हो गया है तो के बीच में ही, पहले हमारे राकेश राय जी इधर आए हैं, 2 शब्द पहले इनके सुन लेते हैं। नहीं, मंच पे जब हमसे बड़े बोल रहे तो हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता, आपके लिए शुभकामनाएं टीचर जो बनी, और आपको, आपके सहयोगियों को, इसमें काम किए सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को शुभकामनाएं कि आपकी पिक्चर अच्छी चले, लोग देखें। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं यहाँ पे अपने अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, राकेश राय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मनोज जी का, मंजरी जी का, हमारे प्रोड्यूसर उत्सव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फिल्म बनाने में मुझे सहयोग दिया, मेरे सपने को पूरा किया। मैं क्या चाहता था कि देखिए, आज हमारा मुल्क जो है, हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की आबादी है, और करीब 30 करोड़ की आबादी पे एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन हमारे 130 करोड़ की आबादी में अकेले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोड होता है, तो एक हर प्रदेश की मैं देखता हूँ कि हालत बहुत ख़राब है, तो हर प्रदेश की भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रजा को, लॉ एंड ऑर्डर को, सब चीज़ को व्यवस्थित रखे, और सब जगह शांति होनी चाहिए,
औरतों का सम्मान होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज एक ऐसी मेरी कल्पना थी कि ऐसा सीएम होना चाहिए, जो अब धीरे धीरे एक दो स्टेट में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे सीएम आए हैं जो अभी पूरे प्रदेश को, जो बिगड़ा हुआ प्रदेश था उसमें राम राज्य को स्थापित किया है। तो बस मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं सब जगह ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आप यहाँ पधारे और हमारा जो ट्रेलर है वो लॉन्च यहाँ हुआ, और ये हमारे जो उत्सवाल जी हैं जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है वो भी बड़े प्रखर राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि निर्माता की सोच उस प्रकार की हो उसी प्रकार की फिल्में बनती हैं। तो ये फिल्म उन्होंने बनाई है इसलिए उन्हें बहुत सारा साधुवाद और उन्हें बहुत सारा अभिनंदन, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि विचार प्रवर्तक सिनेमा होना चाहिए कि विचार लोगों तक पहुंचे, और इसलिए इस प्रकार के सिनेमा बनने चाहिए। और मैं आभार प्रकट करता हूँ नीरज जी का कि उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया, उन्होंने इस विचार को सींचा, बीज को सींचा, और ये फिल्म आज जो बाहर आएगी, आने वाली तारीख अभी निश्चित होगी लेकिन इसी महीने के अंत तक ये फिल्म आएगी। और मुझे विश्वास है क्योंकि मैं पिछले लगभग 35 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ, बहुत सारी फिल्में की हैं, 172-173 से ज़्यादा फिल्में की हैं मेरी 3 भाषाओं में 4 भाषाओं। तो मुझे लगता है कि मैंने इस फिल्म में काम किया, लेकिन मेरे बहुत मेरे दिल के मेरे हृदय के करीबी फिल्म है ये, क्योंकि इसमें मैं एक मुख्य किरदार निभा रहा हूँ और एक ऐसे ऐसा व्यक्तित्व निभा रहा हूँ कि जो व्यक्तित्व जो है वो मतलब राष्ट्र प्रथम इसको लेकर और समाज को और जो प्रदेश में जिस प्रकार की राज्य व्यवस्था थी, ये फिल्म की कथा बता रहा हूँ, उस प्रकार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वो कैसे सुचारू रूप से लाइन पर लाते हैं, पटरी पर लाते हैं, और यही कथा है इस फिल्म की। और मैंने अपना 100% देने का प्रयत्न किया है और निश्चित रूप से सारे दर्शकों को ये फिल्म भाएगी और पूरे भारत में ये फिल्म जो है लोग अवश्य देखने जाएंगे यूपी फाइल्स, और आप भी माध्यम, क्योंकि ये सब पहुंचाने का माध्यम आप ही का है और माध्यम चौथा स्तंभ है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है इस प्रकार के विचार करने वाले विचार प्रवर्तक लोगों तक आप ही पहुंचाए, तभी फिल्में चलती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, माध्यम हो, क्योंकि आप ही है इसे पहुंचाने वाले। तो आपने ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा? धन्यवाद। फिर आपको यदि कोई प्रश्न हो तो हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनके पास कोई माइक दे रहे थे, जी ने कहा कि ये किसी व्यक्तित्व से या किसी कहानी से नहीं मिलती उत्तर प्रदेश की, पर मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगी कि ऐसा तो लगता है कि शायद ये योगी जी से प्रभावित होकर ये फिल्म बनी है, वो देखने से पता चल रहा है, जो हम लोगों ने भी टीजर देखा उसको। आपने किस तरीके से क्या कहानी पूरी हुई है, जबकि आपने ट्यूर स्टोरी लिखा है, तो इस कहानी का क्या आधार है? मतलब आप एक तरफ तो थोड़ा बहुत योगी जी से कल्चर मिल रहा है, जैसा उन्होंने भगवा पहन रखा, योगी जी ने बहुत अच्छा सुधार भी किया हमारे प्रदेश में, उसकी कुछ थीम ली है या कोई रियल स्टोरी थी उसकी कोई थीम ली है, कैसे पूरे होया कहानी को? देखिए, क्या इंसान जो इसे इसी समाज से ही सीखता है, आज रामायण महाभारत इसी में सब कुछ है, कोई
कहानी नई नई होती है, सब यहीं से हम इसी समाज में जन्म लिए, यही सब देख के बड़े हुए हैं, तो जो हम अपने सामने घटनाएं देखते हैं उसी से सब सीखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे सीएम जो है योगी जी अगर से हमारा कैरेक्टर मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा सीएम हर स्टेट में होना चाहिए। आदमी क्या है, कहीं ना कहीं किसी से तो इंस्पायर होता ही है। तो जो अच्छी चीज है, मैं चाहता हूं अगर आपको लगा कि वह योगी जी से मिलता जुलता है, तो चलिए योगी जी इसका मतलब आप मानते हैं कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, और इसी तरह का हर स्टेट में मैं चाहता हूं कि होना चाहिए। थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो प्लीज पूछे। मैम फोटो करो, उनको एक माइक दो ना उधर को। बहुत अच्छे रहे कंचन चौधरी, किरण बेदी, ये सब बहुत अपने जमाने की बहुत महान हस्तियां रही हैं। आपने कैसे इतना मतलब क्विक एक्शन और जिस तरह फिल्म का हमने टीजर देखा, एकदम कैसे उस रोल को अपने में उतारने की कोशिश करी एक पुलिस वर्दी वाली महिला को? थैंक यू मैम फॉर योर क्वेश्चन। पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सपोर्टिंग आवर फिल्म। एंड मैम टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे पहली बार मेरे करियर में ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने को दिया है। सो थैंक यू सो मच नीरज सर कि आपने मुझ पर विश्वास रखा कि मैं ये रोल प्ले कर सकती हूँ। ये रोल प्ले करने के लिए मेरे सामने बहुत सारे बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन थे। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, लॉट ऑफ सो मेनी अमेजिंग इंडियन वुमेन पुलिस इंस्पेक्टर्स, तो मैं काफी लोगों से इंस्पायर हुई हूँ। एंड तो मेरा प्रेपरेशन मेनली यही रहा है कि मैं रिसर्च करूँ इन सब लेडीज के बारे में, उन्होंने कैसे काम किया है हमारी कंट्री में फॉर इम्प्रूविंग यू नो वुमेन एंड चिल्ड्रन सिक्योरिटी। बिकॉज इस फिल्म में जो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ, शी इज ऑल्सो हैंडलिंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन सिक्योरिटी इन द स्टेट। एंड जैसे कि एक अच्छे चीफ मिनिस्टर को बहुत जरूरत होती है एक अच्छा, एक बढ़िया पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक ऑनेस्ट, एक हार्ड वर्किंग पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाए। तो इस फिल्म में मैंने जो मिनिस्टर है उनकी हेल्प की है टू गेट द अनलॉफुल एक्टिविटीज कम टू एन एंड इन द स्टेट। सो मुझे बड़ा मजा आया, मैंने बहुत मेहनत की है। आई होप आप लोग जब फिल्म देखेंगे आपको मेरा काम पसंद आएगा, बिकॉज आप पहली बार मुझे देखेंगे ऐसे किरदार में। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन मैम। मनोज जोशी जी से भी मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने किरदार को सर एक फोटो करवा दिए, फोटो का ग्रुप करवा दिए सर। क्वेश्चन तो मैं मनोज जोशी जी से भी पूछना चाहूंगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री का किरदार इतने अच्छे गेटअप में इतने कैसे आपने इसको अपने अंदर पिरो लिया इस किरदार को? यही कलाकार होता है ऐसा हमारे प्रोड्यूसर का जी का कहना है। ऐसा है कि कोई भी संविदा जब आती है तब हम उसके वो पात्र क्या है पूरी कहानी जान लेते हैं। कहानी जानने के बाद उसका उसका जो प्रवास है कहानी का वो भी जानते हैं। उसके बाद में सीन वाइज कि कौन से सीन में क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से जब मुझे पूरी संविदा दी उन्होंने, कुछ चेंजेस भी थे उसमें, धीरे धीरे वो कर रहे थे, तो उसके साथ रहना पड़ता है तभी जाके हम अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास करते हैं। और दूसरा जो होता है कि भैया ये किस तरह से, क्योंकि अनुशासन सर्वोपरि मानने वाला व्यक्ति किस प्रकार से वो बात करेंगे, किस प्रकार से वो किसी किसी भी प्रश्न को उत्तर देंगे, और किस प्रकार से वो जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उसे सुधारने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, ये सीन में राइटर लिखता ही है, एक्टर घर से कुछ नहीं करता। बट जो उसका जो अप्रोच है, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, उनका चलना है, उनका बोलना है, और
हर शब्द का और वो प्रभाव हर कृति में दिखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और हर एक्टर ऐसा ही करता है, वैसा ही मैंने किया। और मैं काफी मतलब मैं थोड़ा अभ्यास हूँ रंगमंच का हूँ, इसलिए मैं स्क्रिप्ट के साथ रहता हूँ, उसको बार बार अपने रूप से भी अपने रीत से भी सिर्फ लाइनें बाहर करना या कंठस्थ करना ये काम नहीं है किसी भी कलाकार का, तो उसके साथ रहता हूँ तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, और शायद इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा बिल्कुल 100% इस फिल्म में दिया है, जो विश्वास नीरज जी ने मुझ पर रखा, प्रोड्यूसर ने मुझ पर रखा, और सब साथी कलाकारों ने भी मुझे जिस प्रकार का साथ दिया उसी के कारण ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क, कोई अकेले का काम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं आज हमारे आदरणीय माननीय जयंत सुभाष जी से गुजारिश करूंगी, तालियां हो जाए उस बार जी के लिए। सबसे पहले मैं इस यूपी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं, जहां गंगा सरस्वती और राम जी की जन्मभूमि को उन्हें प्रणाम करता हूं। माननीय डॉक्टर साहब, मंच पर विराजित सभी साथीगण, एम पधारे हुए सभी अतिथि बंधुओं, मैं और नीरज जी एक दिन हमारे बगीचे में बैठे हुए थे और ऐसे बात चल रही थी कि फिल्म बनाए। मैंने कहा यार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो तो उस पर विचार किया जा सकता है, ये रूटीन फिल्में बनाना हमें पसंद नहीं है। तो ऐसे बात चलते चलते चिंतन चला और चिंतन चला यूपी के बारे में। बहुत कुछ डॉक्टर साहब ने बता दिया जो मेरे मन में थी बात, और मैंने उसको कल्पना अलग करके ही ये फिल्म बनाई है। वो सारी बातें बता दी, यूपी क्या था और क्या बना, बहन का एक क्वेश्चन था। तो हकीकत में ये बात उठी थी कि हमारे वहाँ यूपी के कई दोस्त हैं बॉम्बे में, हम बॉम्बे से हैं, वहाँ पे एक सी डी सिंह जी थे जो बड़े प्रतिभावान थे और दबंग भी थे। ऐसे बात निकलते निकलते निकली और उन्होंने कहा कि यार यूपी जा रहा हूँ जीप लेके, दो चार लटे मेरे साथ रहते ही हैं, लेकिन फिर भी सूर्यास्त के बाद हम ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, पुरानी बात। तो मैंने कहा ऐसा क्या है यार, आप तो इतने दबंग आदमी हो, बोले यार यूपी में ये सब कुछ नहीं चलता है, वो तो 5 रुपए के लिए तो मंचा चल जाता है, हकीकत बता रहा हूं मैं। और जब हम बैठे हुए थे चिंतन चला तो यूपी के बारे में डेली न्यूज आती है, और जो धीरे 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 यूपी को आज एक ऐसा आदर्श प्रदेश बना दिया, इतना आदर्श प्रदेश बना दिया, तो हमारे मन में ये चिंतन चला कि क्यों नहीं, अगर यूपी में हो सकता है जहां पर सब तरह से लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से इसको कंट्रोल किया गया और साथ ही साथ यूपी को डेवलपमेंट भी दिया गया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिया गया, तो ये बात क्यों नहीं अन्य प्रदेशों में जाए और वहां के हर मुख्यमंत्री, मैं तो ये कहूंगा कि इस फिल्म को रिलीज मोस्टली ये 29th को है, देश के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटर को जरूर 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 देखनी चाहिए, और विशेष रूप से देश के हर मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, हर MLA को देखनी चाहिए, हर MP को देखनी चाहिए, उन्हें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक पब्लिक को भी दिखानी चाहिए, ताकि एक आदर्श यूपी स्टेट आज उसका आदर्श एग्जाम्पल है कि यहां इतना कंट्रोल हो सकता है तो अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं हो सकता। बंधु, इसी बात को हमने लक्ष्य में रख करके इस फिल्म का निर्माण किया है, और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से गर्व करेंगे कि यार वास्तव में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है जो देश के हर कोने कोने में जाना चाहिए। जय हिंद। जीवन की कहानी बता रहे थे मुझसे, बहुत दिन बाद 20 साल बाद मिले थे, मैं समझ नहीं पाया था कि क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो लड़का लड़कियों की कोई शादी नहीं करना चाहता था, बुंदेलखंड में पानी नहीं, अपराध है, तो पूर्वांचल चले जाओ तो गैंगवार है, तो वहां चले जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वसूली है,
ऐसा ये बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खराब लगता है जब कहते हैं उल्टा प्रदेश। अब मैं आया हूँ तो लोग बोल रहे थे उत्तम प्रदेश, कुछ समय बीता तो अब कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रदेश। और फिर जब ये फिल्म बनाने के मकसद से आए थे, बोले यहाँ तो उत्तम प्रदेश है, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कहना क्या चाहते हैं। अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरी पिक्चर आई है यूपी फाइल्स, आप ज़रूर देखिए और आप आएंगे उसके इनॉग्रेशन में, क्योंकि इन्होंने बात ही बात में तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में मुझसे पूछी थी। और मुझे अच्छा लगा। मैं जोशी जी को देख रहा था, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बिल्कुल। और ये किसी राजनेता की प्रेरणा तो हो सकती है, लेकिन उसकी जीवनी नहीं हो सकती, उससे उत्प्रेरणा हो सकती है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बदलते देखा, वो पूरा भारत ऐसे बदले, इस परिकल्पना के साथ इन्होंने पिक्चर बना डाली। वही मैं ट्रेलर देखकर ही मन में आह्लाद है, प्रसन्नता है और बधाई इसलिए है कि मैंने नीरज जी को बगैर दाढ़ी के देखा है मतलब छात्र जीवन में। और ये हर चीज क्रिएटिव करते थे, जो भी करो अलग हो। और आज सिने अभिनेता धर्मेंद्र जी ने जिस तरह इनकी तारीफ करी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य है। वैसे तो चाणक्य में अभिनेता के रूप में जब ये डायलॉग बोलते थे मनोज जी, तो पूरा पांडाल लाखों लाख का दहलता था। अभी के डायलॉग का क्या असर होगा, ये तो ओसवाल जी जानते होंगे, जो इसको अब ऑडियंस जानेगी। और मंजरी जी का भी जो रोल दिखा पुलिस ऑफिसर का, हमारे वहाँ कई पुलिस ऑफिसर प्रदेश में हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये यूपी फाइल पूरे देश की फाइल बने और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल बने और ये ऐसी फाइल बने जिसमें अपराध का समापन हो और प्रदेशों की तरक्की के लिए लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो अपना सर्वस्व निछावर करें, जैसे इसमें अभिनेता को मैंने देखा। ट्रेलर दिखा दिया, मैं सब परिवार देखूंगा इसको। यूपी के सारे हालातों को देखते हुए यूपी फाइल आखिर क्या क्या खास और क्या क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा प्रदेश था बहुत पिछड़ा हुआ था जब हम जब पढ़ते थे बचपन में, गुंडागर्दी बहुत थी, भूमि माफिया, ये वो, मतलब कोई सुरक्षित नहीं था। मतलब हमारी बहनें, हमारे घर की जो औरतें सेफ नहीं थी, बाहर रात में कोई निकल नहीं सकता था। हम लोग खुद स्टूडेंट थे, सारी चीज़ फील करते थे, देखते थे, तो एक दुख तो ज़रूर होता था कि हमारा इतना समृद्ध देश है, इतना हमारा प्रदेश है, नाम है इतना, इतने सारे हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग हुए हैं और हमारे प्रदेश की ये हालत है, तो समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा। बस इंतजार में बैठे रहते थे कोई आएगा ऊपर से भगवान और प्रदेश को सुधारेगा। तो ये इच्छा रहती थी कोई तो एक ऐसा राजनेता या कोई सन्यासी, कोई ऐसा व्यक्ति एक आए जो हमारे प्रदेश को जो है उन्नति करे और भयमुक्त बनाए। तो वो हमने लगा कि अभी कुछ प्रदेश, अब सारे प्रदेश की हालत बहुत खराब। मैंने बताया ना कि हमारे प्रदेश की भी जिम्मेदारी होती प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की आबादी है, अकेले प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते। तो सारे प्रदेश की जिम्मेदारी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मैं देखता हूँ प्रदेश सब अलग, उत्तर जा रहे, उधर दक्षिण जा रहे, तो बहुत खराब व्यवस्था है सारे प्रदेश लोगों को। तो कुछ अभी योगी जी ने जो सब बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो किया है, वो आज उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ऊपर लेके गए। तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ और चाहता हूँ कि हर प्रदेश ऐसे ही हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान में राम राज्य हो जाएगा और शांति होगी और तरक्की होगी, उन्नति होगा, करप्शन खत्म होगा, लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जिएंगे, जैसे फॉरेन में लोग बिना भय, बिना खौफ, बिना डर के जीते हैं। ठीक है सर। डायरेक्ट की है, जो प्रोड्यूस करी है, डायरेक्टर तो हमारे नीरज जी हैं। तो आपने जैसे ये आपके माइंड में कैसे ये आइडिया आया कि हम एक यूपी की छवि दिखाएं और समाज का? जी एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन हमारे साथ हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़। मैंने बताया कि पहले जो पूरे यूपी की हालत थी वही कि रोड है कि खड्डे हैं मालूम नहीं है, आसानी से कोई लेडीज सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी, गुंडागिर्दी, लूट खसोट, हफ्ताखोरी, वसूली,
बलात्कार ये तो आम था, यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त था। और धीरे 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 नए मुख्यमंत्री के आने के बाद जिस तरीके से यूपी का डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट कंट्रोल किया, अच्छे अच्छे रतिमारती जो अपने आप को तीसमार का कहते थे, दादा कहते थे, गुंडे कहते थे, उनको ठिकाने लगाया गया। एक बार मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि 800 के करीब वांटेड, क्या बोल सकते हैं, गुंडे, उन्होंने ये कहा कि हमको जेल में डाल दो, इस डर से हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। ऐसी स्थिति यूपी में हो गई और उसके बाद और धीरे धीरे इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो मेरी ये इच्छा रही अंदर से कि यार अगर यूपी में इतना बिगड़ा हुआ राज्य सुधर सकता है, इतना पिछड़ा हुआ राज्य सुधर सकता है, तो ये हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को अपने स्टेट में ले जा करके और इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। इस बात को मैं प्रदर्शित करके और जन जन तक पहुंचा करके इंडिया के हर लीडर, स्पेशली हर लीडर इसलिए बोल रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते हैं तो वो अपने अपने प्रदेश में इसको ले जाए और दिखाने का प्रयास करें। उन्हें देखना चाहिए, हर MLA MP और हर नागरिक को दिखाना चाहिए, खुद को खर्चा करके दिखाना चाहिए। MLA को अपना खर्चा करके अपनी टेरिटरी में पूरी पिक्चर दिखानी चाहिए गांव गांव में, तब जाकर के इसके विकास की बुलंदी छुएगी। और हमारे मोदी जी जो दिन रात बेचारे लगे हुए हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँच करके सफलतम बनेगी, तो ये एक अच्छा मीडिया बन पाएगा। थैंक यू सो मच। पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर आपने किया है, तो कुछ तो चैलेंजेस, बहुत वैसे तो काफी चैलेंजेस हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक कुछ आपको जो मतलब टफ लगा हो कुछ ऐसा? एक तो पहली बार पुलिस ऑफिसर प्ले कर रही हूँ, तो वो टफ तो था ही, एंड बट एक एक्टर के लिए उनको क्या चाहिए, एक एक्टर को चैलेंज चाहिए होता है, लाइक यू नो आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। तो मुझे पहली बार ये मौका मिला कि मैं एक टफ ऑनेस्ट कॉप का किरदार प्ले करूँ, सो मुझे बड़ा मजा आया। सो इसमें एक्शन सीक्वेंसेस वर देयर, एंड आप जब फिल्में देखेंगे दे आर लाइक ऑल वेरी ह्यूज लाइक यू नो पीपल लाइक यू नो, एंड सो लाइक उनके साथ एक्शन सीक्वेंस करने में बड़ा मजा आया, मेहनत बहुत हुई, बहुत चोट लगी बट वाज फन। मुझे लड़कों को पीटने में बड़ा मजा आया, मैंने बहुत पीटा है, इतना पीटा है ना मैंने, यू विल वॉच इट इन द फिल्म, आपको भी मजा आएगा देख के, कभी कभी लगता है ना ये अंदर की भड़ास निकल। बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइए, ये प्रोजेक्ट जब आपके पास पहली बार आया, स्क्रिप्ट आई, तो आपने क्या सोचा, मतलब करूँ या रुकूँ या मतलब सोचा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ? हाँ मैंने जब मैंने स्क्रिप्ट, जब मुझे पता चला ऐसी फिल्म बन रही है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या करूँ करूँ नहीं करूँ, बट देन आई वाज लाइक नहीं, पहली बार मुझे एक पुलिस ऑफिसर का रोल मिल रहा है, ये तो नहीं छोड़ूंगी बॉस, ये मौका मिला है, ये नहीं छोड़ूंगी। और ये जो टफ चैलेंजिंग था, आपने बहुत अच्छे से निभाया, हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेजर देखा है, बहुत मजा आया है। आपको जब आप फिल्म देखेंगे आपको और मजा आएगा, आई होप आई, ये फिल्म अच्छे इंटेंशन के साथ बनी हुई है, हम सब ने बहुत दिल से काम किया हुआ है, तो आई होप सबको पसंद आए। मनोज जोशी जी के साथ काम करके कैसा लगा मैम आपको? मनोज जोशी के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है, तो एक छोटा सा सीन हमने किया था, किस किस को प्यार करूँ मैं, सो ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ही इज सच अ स्कूल इन हिमसेल्फ, ही इज अमेजिंग, सो एंड अ वेरी वेरी एनकरेजिंग को स्टार, सो हमेशा बहुत बढ़ावा देते रहते हैं, यू नो काफ़ी कुछ सीखने को। बिल्कुल, एंड आप अच्छे एक्टर के साथ जब काम करते हैं तो एक वो जो एक जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो स्क्रीन पे दिख के आता है, सो आई होप यू ऑल विल सी दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपको अप्रोच हुई थी, तो क्या आपके माइंड में फर्स्ट फील आया था कि कैसा किरदार रहेगा आपका, क्या कैसा निभा के इसको आपको फील आया? नहीं, जब फिल्म की कथा मुझे सुनाई गई, पहले तो वन लाइन सुनाई गई, फिर मेरे पास स्क्रिप्ट मुझे बताई गई कि ऐसा होता है ये, तो बड़ा आनंद हुआ कि बहुत अच्छा विषय है। और एक तो मैं मेन रोल मुख्य किरदार मुझे निभाना है, तो निश्चित रूप से किसको आनंद नहीं होगा। और अच्छी प्रॉपर फिल्म है कि जो कुछ अच्छा संदेश भी देती है लोगों को,
और लोगों को सोचने को भी मजबूर करेगी। ऐसी फिल्म है तो ऐसी फिल्म मुझे करनी ही चाहिए, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ऐसा क्या लगा आपको कि इसमें कुछ यूनिक है जो मुझे ऐसे करनी ही चाहिए? क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी भी फिल्म में मेन किरदार मेन रोल नहीं निभाया था, एक दूसरी बात एक मतलब एक मुख्य भूमिका और एक ऐसी भूमिका कि एक ऐसा नेतृत्व जो दकियानुसी चीजें हैं, जो जो स्वार्थी मदांध और केवल स्वकेंद्रित नेतृत्व आज तक यूपी को मिले थे उन्होंने क्या ऑलमोस्ट मतलब बंटाधार करके रखा था सिस्टम का और सबका, और एक नेतृत्व जब आता है और वो सोचता है कि मुझे संविधान के साथ तालमेल बनाकर मुझे समाजोन्मुखी काम करना है, मतलब सभी जात धर्म पंथ को बाजू में रख एक सबको एक साथ में लेकर मुझे मेरे राज्य को आगे लेकर जाना है और शिखर पर लेकर जाना है और सर्वोच्च सर्वोत्तम राज्य बनाना है, ऐसा जब एक नेतृत्व ठान लेता है और वो क्या क्या कर सकता है, ये कथा है इसकी। सर जैसे कि आपने बताया कि 100 से ज्यादा मूवीज आप कर चुके हैं, तो इस मूवी को किस फायदा पे रखते हैं? बेस्ट मूवी है, सभी सारी मूवी बेस्ट है मेरे लिए, बट बिकॉज क्योंकि मैं इसमें मुख्य किरदार कर रहा हूँ और ये एक पात्र जो है वो लोगों को निश्चित रूप से लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा और उन्हें फिल्म देखने में एक क्या बोलते हैं एक सात्विक आनंद आएगा, और सिर्फ अच्छी लगेगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो चित्त में चीज है ना वो उनको पर्दे पे दिखेगी। सर जैसे कि लोगों ने बताया कि जिस तरह से यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, वैसी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की कि हर प्रदेश के सीएम ऐसे संभाले? नहीं नहीं, हर प्रदेश के सीएम कहीं ना कहीं मतलब संभालते ही हैं सब, बट ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी काम करने की पद्धति होती है, एक ही है कि सब लोग राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो उन तक पहुंचे, उन तक सारी सुख की जो भी बातें हैं मतलब सामान्य लोगों की नागरिकों की सुख की बातें वो सब कुछ उन तक पहुंचे, और इसके लिए समर्पित भाव से काम करने वाले नेतृत्व ऑफ कोर्स ये चाहिए ही प्रत्येक राज्य में, और हर आदमी इसके लिए और इसीलिए तो वो राज्य जो है वो प्रगति करता है। सर जैसे कि मूवी का नाम है यूपी फाइल्स, तो यूपी की कुछ खास चीजें जो आपको नजर आएंगी? यूपी में मैंने पिछले 2014 से लेकर 24 तक जो आमूलाग्र परिवर्तन देखा है, मतलब अद्भुत, चाहे रास्ते ले लो, चाहे गुंडागर्दी ले लो, चाहे उद्योग ले लो, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस की स्थान ले लो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, औद्योग बढ़ रहा है, दूसरा राम जन्मभूमि के बाद न अयोध्या जो है वो भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई, उसके बाद वो कितने लाखों लोग प्रवास के लिए यहाँ आ रहे हैं, हाँ कितने एयरपोर्ट्स बने और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, क्योंकि राम भारत की भगवान राम श्रद्धा है आस्था है और भारत का प्राण है भगवान राम, तो उनके दर्शन के लिए 500 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उस प्रतीक्षा की घड़ी 22 जनवरी को खत्म हो गई, उसके बाद हम रोज देख रहे हैं इतने लाखों लोग आ रहे हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र केंद्र बनेगा और भारत की संस्कृति का एक केंद्र बनेगा, और उससे बन गया राजा, और उससे केवल अयोध्या के आसपास की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है,
कि सोच को सोचना और उसको प्रत्यक्ष रूप में उसको लाना, ये काम चाहे, और मैं बहुत ही मतलब केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य जो मतलब जो जो गारंटी देके काम करने वाला जो काम है वो दिखता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये रास्ते देखो कहां से कहां पहुंच गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों में क्यों नहीं कर पाए, चाहे वो मतलब मैं कोई इलेक्शन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बट मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जहां यथा राजा तथा प्रजा, ये हमारी कहावत सत्य है। तो इसीलिए यूपी में भी उसी प्रकार का जो अमूलाग्र बदल है वो वही गारंटी वाला हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। गारंटी वाला मतलब कि भैया देखो ये करना है और वो हो रहा है ना, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है ना, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या है ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अमूलाग्र बदल इतने सालों में दिख रहा है और बहुत आह्लाद दे रहा है वो। जी सर। और उत्तर प्रदेश में मैं वाराणसी में जाता हूँ, मैं अभी अयोध्या गया, उसके बाद में हर तीर्थ क्षेत्र में जाओ या कहीं पर भी जाओ, मैं तो उत्तर प्रदेश बहुत घुमा हूँ मेरे चाणक्य नाटक को लेकर। हरिद्वार के हमारे आशीष भैया हैं जो सेवा कुंज एक आश्रम चलाते हैं कुष्ठ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उस नाटक को लेकर मैं पूरा उत्तर प्रदेश वो आश्रम के लिए करता हूँ, घुमा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। सर कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको इस टॉपिक पर मूवी बनानी चाहिए? देखिए मैं यूपी में ही पला बड़ा हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, तो सारी यहाँ पे जो खराब व्यवस्था थी और गुंडागर्दी और ये सब, जैसा दिनेश शर्मा जी बोला, इतनी व्यवस्था खराब थी कि डर लगता था हमें यूपी में रहने से। और अपने जो लेडीज हैं उनके लिए बस ये होता था कि कैसे ये प्रदेश धरेगा, तो बस यही एक दिमाग में चलता था कि हमको कोई ऐसी एक, ये जो मीडिया है फिल्म मीडिया, ये समाज का आईना है, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसी पिक्चर बनाओ कि जिससे लोगों में जागरूकता फैले, अवेयरनेस आए अपने प्रदेश के लिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, जनता का सपोर्ट मिले, और ऐसा कोई शासक, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आए जो राम राज्य को ला सके। तो बस ऐसी परिकल्पना थी और हमने वही मैसेज दिया लोगों, ये ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे कि ट्रेलर देख के लग रहा है काफी हद तक बाबा से इंस्पायर है। देखिए हम क्या है, इसी समाज में पैदा हुए, कोई ना कोई किसी न किसी से तो इंस्पायर होता ही है। अब हमारे यहाँ देखिए, अभी सारी जितनी भी स्टोरी निकाल लीजिए, रामायण और महाभारत, ये दो ग्रंथ से बड़ी कोई स्टोरी नहीं है, सारी स्टोरियाँ इसी में से निकलती है। तो ये सब हम यहीं से देखते हैं, यहीं सीखते हैं। कोई हमारा हीरो होता है, किसी को कुछ लोगों का हीरो जो है फिल्मी आर्टिस्ट होता है, कुछ लोगों का हीरो जो है कोई राइटर होता है, कुछ लोगों का हीरो जो है कोई पॉलिटिशियन होता है। तो बस मेरे अंदर जो इच्छा थी कि एक राम राज्य जैसा सुनते थे कि होना चाहिए रामायण में, तो बस हमारी वही परिकल्पना थी, तो उस हिसाब से जो है हमने किया, ये माध्यम था और ये सबक देने की कोशिश की। उसमें बहुत अच्छा हमने संदेश भी दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, नए एक इंच इधर नए एक इंच उधर, ये बहुत बड़ा मैसेज है बाबा साहब का, जो संविधान को फॉलो करना बहुत जरूरी है, संविधान से नए एक इंच इधर नए एक इंच उधर, जो करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय मिलना बहुत जरूरी है। और ये हमारे जो है जो मुख्यमंत्री जो है वही ये सब चीजें कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा फोर्सफुली वही लागू करवा सकते हैं। इसीलिए सारे नेताओं को, सारे सीएम को, सब लोगों को हमारा ये मतलब फिल्म के माध्यम से ये एक अवेयरनेस किया है कि आप लोग ऐसा कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कीजिए और उसके हिसाब से लोगों को, कानून को चलाइए। तो जैसा कि आपने बताया कि जनता को अवेयर करने के लिए आपने मूवी बनाई है, तो लास्ट में आपको पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी मूवी के लिए? पब्लिक से देखिए, आपको बोला ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, नए एक इंच इधर और नए एक इंच उधर,
लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज, सबके साथ न्याय होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी सब समाप्त होनी चाहिए, सारे जो प्रजा एक लेवल की होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए, ये थैंक यू वेरी मच।